आईपीएल 2020 का छठा मैच किंग्स इलेवन पंजाब वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच चल रहा है। मैच में अब तक दो बातें बड़ी खास रही, पहला केएल राहुल का शानदार ताबड़तोड़ शतक और दूसरा कोहली का केएल के एक नहीं बल्कि दो दो कैचों को ड्रॉप करना। जानेंगे पूरी खबर, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल में तो फटाफट कर लें इसको सब्सक्राइब। दोस्तों टॉस का सिक्का उछला तो आरसीबी के पक्ष में गिरा। आरसीबी कप्तान कोहली ने फील्डिंग का फैसला लिया और केएल राहुल एंड कंपनी को बैटिंग का न्योता दिया। पंजाब को केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने एक सदी हुई शुरुआत दी। पंजाब का पहला विकेट 57 रन में मयंक के रूप में लगा, उन्होंने 20 गेंदों में 26 रन बनाए। उसके बाद निकोलस पूरन 17 रन बनाकर शिवम दुबे का शिकार बने तो मैक्सवेल आज भी फ्लॉप रहे, उन्होंने 5 रन बनाए। लेकिन पंजाब के कप्तान केएल राहुल तो आज अलग ही मूड में थे। केएल राहुल ने तो आरसीबी के बॉलरों को जमकर धोया। उनकी 132 रनों की नाबाद शतकीय पारी के बदौलत पंजाब ने निर्धारित 20 ओवरों में 206 रनों का बड़ा लक्ष्य बना डाला। अपनी नाबादीय शतकीय पारी 132 रनों की पारी में 14 चौके और 7 शानदार छक्के लगाए। लेकिन उससे भी गजब ये रहा कि जब राहुल 86 के निजी स्कोर पर थे तो विराट कोहली ने उनको एक नहीं बल्कि दो दो जीवन दान दे डाले। अब देखना होगा कि आरसीबी 207 रनों का लक्ष्य प्राप्त कर पाती है या नहीं।